आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का 2 जो कि असमान वर्ग लंबाई पे जो है कि आधारित है। मतलब ये है कि इसकी वर्ग लंबाई जो है वो समान रूप से नहीं मिलेगा। इससे पहले जो हम लोग पढ़े थे जैसे 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, तो 20 की डिफरेंस कितना था? 5 का था ना। लेकिन यहाँ पे ये क्या है? असमान है, मतलब कि समान नहीं है यार। इसके बीच की लंबाई अलग अलग मिलेगा। जैसे देखिए 1 से 4 इसके बीच की लंबाई 3 है, और 4 से 9 इसके बीच की लंबाई हो गया 5, और 9 से लेकर के 16 इसके बीच की लंबाई कितना हो गया? ये 7 हो गया, और 16 से लेकर के 27 इसके बीच की लंबाई कितना हो गया? 9 हो गया। मतलब कि वर्ग लंबाई जो है वो असमान है, समान नहीं है, अलग अलग है। तो इसी पे आधारित यह प्रश्न है। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो ये तो क्वेश्चन दिया गया हुआ है, अपने बुक में दिया गया हुआ है ये चीज। तो अगर ये इसको हम लोग बनाते हैं, प्रत्यक्ष विधि से बनाते हैं, तो प्रत्यक्ष विधि वाला जो फॉर्मूला होता है, हम लोग जानते हैं कि माध्य जो है ए बराबर, मतलब कि माध्य ए बराबर, हम लोग जानते हैं कि फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है? सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ होता है। तो हमको जरूरी क्या क्या चीज का है? एफ, तो एफ तो हमारे प्रश्न में दिया गया हुआ, और सिग्मा जोड़ने का काम करता है, तो जरूरी हमको एक्स का है। तो एक्स क्या होता है? वर्ग चिन्ह होता है। तो वर्ग चिन्ह जो है कि हम लोग यहाँ पे वर्ग चिन्ह निकालने के लिए एक लाइन जो है कि वर्ग चिन्ह का ले लिए, जिसे हम लोग एक्स से व्यक्त करते हैं, और एफ एक्स, तो एफ एक्स के लिए हम एक लाइन यहाँ पे ले लिए। तो चलिए अब हम लोग निकालते हैं इसका वर्ग चिन्ह। और वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटा 2, या उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2, मतलब कि इस दोनों को जोड़ करके 2 से हम लोग भाग देते हैं। नहीं तो 1 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 5। जैसे 1 प्लस 4 बराबर कितना आएगा? 5। और भाग देना है कितना से? 2 से दे रहा है। नहीं तो ये कितना आ जाएगा? 2.5 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग ले लिए 2.5। फिर 9 4 को जोड़ेंगे तो 13, और 13 को 2 से भाग देंगे तो 6.5 आ जाएगा। फिर हम लोग जोड़ेंगे 16, और 9 को जोड़ेंगे तो 25, और 25 को 2 से भाग देंगे तो 12.5 आ जाएगा। फिर अब हम लोग जोड़ेंगे 27, और 16 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 43 आएगा। और 43 को जब हम लोग 2 से भाग देंगे तो 21.5 आ जाएगा। 21.5 आ जाएगा। नहीं चलिए अब करना हमको क्या है? अब हमको एफ एक्स निकालना है ना। तो एफ एक्स निकालने के लिए करना क्या? तो अब एफ में एक से गुना करना है। तो एफ वाला लाइन यहाँ है, एक्स वाला यहाँ है, बस इसको क्या करना है? हमको गुना कर देना है। तो अब 6 में 2.5 से गुना करेंगे तो आ जाएगा यह 15। देखिए 6 गुना 12, और 0.56 में करेंगे तो आ जाएगा कितना? 3। मतलब क्या आ गया कितना? 15 आ गया, 12 दिन 15। और 6.5 में अब हम लोग करेंगे कितना से? 12 से करेंगे। तो 6.5 में 12 से गुना करेंगे तो 12 6 72 6 78, यानी कि आ जाएगा कितना? ये आ जाएगा हमारा, ये 78 आ जाएगा। नहीं अब चलिए अब हम लोग गुना करेंगे 26 में 12.5 से, तो ये मिल जाएगा हमको 325। 325 गुना करके थोड़ा सा देख लीजिएगा आप लोग। अब गुना करेंगे 20 में, हम लोग गुना करेंगे 21.5 से, तो ये आ जाएगा हमारा 430। ये आ जाएगा हमारा 430। देखिए 430 कैसे आएगा, सो देखिए जैसे ये पॉइंट है ना, तो 0 से गुना करेंगे तो ये पॉइंट यहाँ चला जाएगा, तो ये हो जाएगा टोटली कितना? 215। और 215 में 200 गुना कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 430 आ जाएगा। गुना करके थोड़ा सा आप लोग देखिएगा खुद। अब चलिए अब इसको हम लोग नीचे लिख लेते हैं सिग्मा एफ एक्स बराबर, तो एफ एक्स तो यहाँ है ही, और सिग्मा जोड़ने का काम कर रहा है। इस सब को करेंगे क्या हम लोग एक साथ जोड़ेंगे, तो जोड़ने के बाद हमको मिल जाएगा 848। कितना मिल जाएगा? 848। और कुल यानी कि सिग्मा एफ जो होता है, सिग्मा एफ हमारा मतलब कुल बराबरता दिया गया हुआ है कितना प्रश्न में? 64 दिया गया हुआ है। तो बस अब इसमें कुछ है ही नहीं, अब हम लोग लिख लेंगे। अब हम लोग लिखेंगे क्या? माध्य। तो माध्य ए बराबर फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ होता है ना। तो सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू हमारा आया है 848, तो यहाँ पे बैठा देंगे 848। और नीचे कितना? सिग्मा एफ कितना है? 64। अब हम लोग 848 में 64 से हम लोग भाग देंगे, तो हमारा जो है कि भाग देने के बाद आ जाएगा हमारा भागफल जो आएगा वो 13.25 आ जाएगा। यही हमारा हो गया आंसर। उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा, और यदि दिक्कत है तो इसको फिर से स्टार्ट करिए और समझने की कोशिश करिए। चलिए हम जो है कि नेक्स्ट वीडियो लेकर के आप लोग के लिए आते हैं इसके बाद वाले क्वेश्चंस का।